क्या ना, ये हमारी पढ़ाई का सिलेबस है। जब माँ बाप के प्रति, बहन भाई और पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती कैसी लाए, ये समाज को ही टूट जाएगा तो मानवीय मूल्य कहां से आएंगे। आज में जरूरत जो है वो इसकी है। और मैं जितनी भी यूनिवर्सिटी, अगर मैं कह रहा हूं आज लॉ फैकल्टी के उत्तर, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं कहीं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैंने पहले ही बता दिया, मगर मैं ये सभी से पूछता रहता हूं कि कहीं ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है। मान जिस दिन आकाश के आए थे, उस चर्चा मैंने इनसे भी की थी, अलग विषय पे की थी, मगर ये मैं महसूस कर रहा हूं कि जब तक हमारा सिलेबस पढ़ाई का, उसमें कहीं ना कहीं मानवता के प्रति कुछ ना कुछ हमारी श्रद्धा, हमारा सत्कार, सम्मान के प्रति हम कुछ सिलेबस में नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आज हमने रेप केस, इसके लिए कुछ जबरदस्ती कानून बना दो, आज कानून बना दिया, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट को मैं भी देखता हूँ वृद्धजनों के आचरण, उसमें 2007 का एक एक्ट बना हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की है। कहां को देखने जाता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि नहीं की, इसके लिए कानून नहीं। कानून कोई भी काम का हिस्सा नहीं, किसी भी चीज का समाधान सख्त कानून नहीं है। आपने यहां पर दिल्ली में दामनी के चक्कर में कितने धरने दिए, कितना प्रदर्शन किया, कानून बनाया, सख्त किया, रेप के केस बंद हो गए, दुगने हो गए। आपने सख्त केस बना दिए, डोरी के बना दिए, डोरी के खत्म हो गया, पहले 10 केस थे, अब 100 2000 हो गए, 10 की जगह 200 हो गया। आपने जितने भी कानून बनाए, पोल्यूशन के लिए कानून बना दिए, तो पोल्यूशन घटने की बढ़ाए, बढ़ गया, तो फायदा क्या हुआ? फायदा सख्त कानून बनाने, क्योंकि मैं तो एक इतिहास में देखता हूं, राजनीतिक दृष्टि से भी देखूं, तो एक समय था यहां पर पकड़ पकड़ कर नसबंदी की गई थी, फैमिली प्लानिंग था, क्योंकि चिंता थी कि देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इसको घटाएं, पकड़ के जो बस स्टैंड से आया उसको पकड़कर उसकी नसबंदी कर दी, जो रेलवे स्टेशन से पकड़ा उसकी कर दी, सख्ती से लागू को किया गया। मगर हकीकत बाद में क्या हुई, जब चुनाव हुए तो वह पार्टी स्वीप कर गई, बुरी तरह स्वीप कर गई, और दूसरी पार्टी जब आई उसने क्या किया, जगह जगह बोर्ड लगा दिए, कॉलेज के बाहर दो ही बच्चे होते हैं अच्छे, हॉस्पिटल में जाओ छोटा परिवार सुखी परिवार, डिप्टी कमिश्नर में कहा दो ही काफी और से माफी, ऐसे एक प्रचार कर दिया, रेडियो लगाओ टीवी लगाओ, एक प्रचार कर दिया। और आज की जो हम सोचते हैं, आज किसी भी दो से ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहता, कोई भी परिवार नहीं करना चाहता, रखना नहीं चाहता, बहुत कम लोगों में आज, लोगों में मेरा कहने का मतलब उनकी मानसिकता, जब उनकी मानसिकता को ठीक कर दिया गया तब ये समस्या का समाधान हो गया। और जिनके लिए भी हमने सख्त कानून बनाए, उसका किसी भी एक भी कानून का मुझे सही से उपयोग हुआ हो या उसका लोगों पे असर हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं है। सो हमें जरूरत है लोगों की मानसिकता को ठीक करने की, और मानसिकता को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं मानवता का भी सिलेबस जुड़ना चाहिए। मानवता, जब मानवता जुड़ेगी तब भाई भी जुड़ेगा, तब बहन भी जुड़ेगी, तब पत्नी से भी उसकी वैल्यू पता होगी। और मैं जो कह रहा ना, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, और मेरी बीवी भी अनपढ़ है, दोनों ने अभी तक मेरे 27-28 साल हो गए, हम कभी मजाक में भी नहीं लड़े, क्योंकि दोनों अनपढ़ है, पढ़े लिखे होते तो शायद मैं भी करोड़ में ही होता है। ये हकीकत है, क्योंकि उसको पता था कि मैं, क्योंकि मैं गांव का सरपंच भी रहा, जब मैं कहीं कोशिश करता था ना कहीं पैचअप करने के लिए, क्यों आजकल कैसी है, तो पैचअप करने के लिए, तो जो पढ़े लिखे हैं वो कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे समझाओगे, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आप कितनी पढ़े हो, 10 पढ़े हो, मैं बीए कर चुका हूं, मुझे क्या समझाओगे, मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानवान हूं। वो पढ़ाई की डिग्री को ज्ञानवान समझ रहा है, जीवन के मूल्य को नहीं समझ रहा। सो इसलिए हमें ये पहचानना होगा। मेरे केस आया डिवोर्स का, अभी बहुत बड़ा अगर घर चल रहा है, 2-3 केस ऐसे भी हैं जिनकी मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो समय भी ज्यादा लगेगा। एक दिल्ली में हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, मेरे गांव के थे, उनकी वाइफ टीचर थी, सीबीआई के वकील थे, गवर्नमेंट के वकील थे, तो
हाई फाई भी रहते थे, उनको लगता था कि आइए सब ईश्वर भी आगे मुझको सर कहता है। तो बड़ा हंकी पंकी था, तो पत्नी पत्नी में बिगड़ गई। पति उसने जब लगा था तब से लेके यहाँ पे सीबीआई के प्रमोट करके रिटायरमेंट में पहुंच गया, पत्नी टीचर से लेके प्रिंसिपल बन गई, दोनों के रिटायरमेंट होने के टाइम पे आ गया। तो पति जरा वो लड़ता था 2 साल पहले रिटायरमेंट लेके आके कि मैं अपना काम शुरू करूँ, रिटायरमेंट लेके आ गया तो अकेला रहता है। तो मैंने उसके को कहा यार क्यों कर रहे हो, तो पहले तो उसने कहा कि हम ये बोल क्या है मैं इतना हूँ। मैंने कहा इस बात को छोड़ो जी, आज अकेले रह रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी। पति को भी समझाया, पत्नी को भी समझाया, पहले 6 महीने तो उनको समझाने में लगे, फिर उनको पता नहीं क्योंकि रिटायरमेंट में थे अकेले के लिए रहने के लगे कहीं जरूरत पड़ी। जब वो रिटायर्ड होने की पहुंच पे, पत्नी भी 1 साल में 6 महीने बाद रिटायर होना था, तब दोनों का बाद में पैचअप हुआ। अब जिंदगी कहाँ गई, किस कारण गई, क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे, दोनों बुद्धिजीवी थे, टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो वकील थे। मेरे एक और केस हैं कि एक लड़की को नौकरी कर रही थी, पति को बिना बताए गए थी मैंने तो नौकरी करनी, मैंने तो पढ़ी लिखी मैं तो नौकरी करूंगी। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आपने नौकरी करनी है तो करने में क्या हर्ज है, सभी नौकरी करती हैं, तो मगर ये पति को कॉन्फिडेंस लेने के लिए ले लेती तो क्या था, क्या इसमें क्या बुराई है। अब उसको ये नहीं है कि पति को, पति भी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं मगर मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो मैंने उसको कहा कि भाई क्या चाह रहा है, कहते जी नौकरी छोड़ दो। मैं कहा छोड़ दो, कहती नहीं छोड़नी, पति छोड़ दूंगी। मैंने कहा ठीक है पति छोड़ देना, मगर ये मुझे बता दो, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये नौकरी क्यों करनी चाहती है, मैं घर बनाऊंगी। मैं कहा कौन सा घर जो तोड़ने जा रही हो, घर कौन सा बनाओगी, जिस घर के लिए तुम पैसा कमा रही हो उस घर को तो आप तबाह करने के लिए पहले सोची हो, तो किस घर के लिए। पैसे से घर नहीं बनता, आज हमारी पढ़ाई लिखाई भी पैसे से चल रही है, क्योंकि सारा सिस्टम ही पैसे के ऊपर चल रहा है। मैं तो राजनीति में हूँ, लड़के आते माँ बाप आते हैं मेरा लड़के की वहां एडमिशन करवा दो, दिल्ली में तो मुश्किल है, जरा पंजाब में जल्दी हो जाती। तो मैंने कहा कि यार कि भाई इसमें क्यों कॉल, अगर MBA करनी है तो इसको ए में कर ली, बी में कर ली, क्या फर्क पड़ता, अगर ला करनी है तो ए में कर ली, बी में कर ली, वकील वकील। अब यहाँ मुरारी जी बैठे हैं कोर्ट में, जब वकील बन गए 5 साल सर्विस होगी तो कोई नहीं पूछता कहाँ से करके, जब नए नए मिलते तब पूछते, तो वहां तो स्टूडेंट थे बस, इतना अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, कहाँ से पढ़ के आए इनको कोई मतलब नहीं, ए से कर ली बी से कर ली तो क्या फर्क। कहते नहीं नहीं नहीं, जब माँ बाप से पूछा है कि, क्योंकि मैं समय ज्यादा अगर लंबी बात नहीं करूंगा, जब उनसे पूछा कि आप यहाँ पे पढ़ाना क्यों चाहते हो, तो कहते यहाँ का प्लेसमेंट जो है ना सेल है वो बहुत मजबूत है। मैंने कहा प्लेसमेंट सेल का मजबूत होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे वो तो दूसरी भी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कंपनियां भी है, और यहाँ पे आती जो यहाँ पे जॉब मिलती है उनका पैकेज अच्छा मिल जाता है। अब ये बताओ कि जिस माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाना है और उसका लास्ट टारगेट पैसा होगा, इसको पैसे के लिए पढ़ाना है और पैसे कहां से ज्यादा मिलेंगे, उसमें मानवता मिलेगी नहीं मिलेगी। और इसी कारण यहां पे नोएडा पे वो इंजीनियर बहुत बड़ा पकड़ा था, जिसकी बैंक में नोट गिनने के लिए बैंक से मशीनें मंगवाई थी, 2 दिन गिनते रहे, आपने भी देखा। आज ये जो भ्रूण हत्या का केस आ रहा है ना, यानी लेडीज और इसमें लिंग अनुपात कितना फर्क है, ये कोई रिक्शा चालक नहीं कर रहा है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है जो पैसे के लिए पढ़ रहा है, और उसके लिए समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो नहीं सोच रहा, वो मानवता के लिए नहीं पढ़ रहा, वो पैसे के लिए पढ़ रहा है। इसी कारण आज जो हमारे लिंग अनुपात में ये भ्रूण हत्या का बीच में विषय आया, ये पढ़े लिखों ने किया है, ये खेत में किसान मजदूरी करने वाला नहीं करता, ये पढ़ा लिखा समाज कर रहा है, और वो पढ़ रहा है जो आज यूनिवर्सिटी में बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया वो बढ़िया तरीके से ज्यादा पैसे से कर रहा है, जो छोटे कॉलेज से पढ़ के गया थोड़े पैसे में कर लेता है, कर पैसे के लिए कर रहा है। ये कहीं भी मानवता के लिए जब तक हम अपना पाठ, आज मैं कहीं भी कहूँ, मैं स्कूल में गया तो मैंने किसी को पूछा कितने लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, 20-25 लोगों ने हाथ कर दिया, कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बनना है, 15-20 में वही भी आप खड़ा कर दिया। तो सभी विषयों पर पूछने के बाद मैं, कितने लोग हैं जो किसान बनना चाहते हैं,
कोई भी नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। अब जब किसान ही नहीं बनोगे तो आपकी मूलभूत जरूरत क्या है? भोजन है ना, कहां से लाओगे? आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। अब मैं मुझे हैरानी हुई कि जब मैंने पूछा कि टीचर कितने बनने चाहते हो, तो मेरे हाथ 3 या 4 हाथ खड़े हुए थे। अब टीचर भी नहीं बनना चाहते, उनको पता टीचर की तनख्वाह भी हो रही है, बच्चे तो वैसे भी टीचर का नाम उल्टा तो हर एक का लगा सकते हो, ऐसे ही है ना। मैं भी पढ़ता था, मैं भी करता था, आप भी करते होंगे। सो कहने का मतलब है, कहीं भी हमारी पढ़ाई में, हमारे सिलेबस में मानवता नहीं है। जब तक उसमें मानवता नहीं लाओगे, रिश्तों की पहचान नहीं बनाओगे, तब तक कोर्ट कचहरी का रास्ता, भीड़ तो इकट्ठी बढ़ा दोगे मगर समाज को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। सो आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस सिलेबस से हटकर भी कुछ पढ़ना होगा, और उसका ज्ञान हमारे कहीं ना कहीं वेदों में, हमारी पुरानी संस्कृति में से लेना होगा। तो मैं समय ज्यादा ले गया, विषय को मैं और भी जितना कहूँगा लंबा ले सकता हूँ, मगर समय को ध्यान में रखते हुए आपको भी बहुत बोर हो गए होंगे, और इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि आपको बोर किया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मन में जो मेरी पीड़ा थी मैंने व्यक्त की, और हो सकता है मैं कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि गलत भी हो सकता हूँ, और भगवान से दुआ करता हूँ मैं इस विषय पे कहीं गलत मुझे कुछ साबित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संभला सर का, कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहा होता है, सोच समझ वालों को थोड़ा नादानी दे मौला। वो यही बात संभला सर ने कही कि किस तरह से हम पढ़े लिखों ने इस समाज में तमाम अवगुणों को अपना लिया है, मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है, और किस तरह से सर ने अपने संघर्षों का उदाहरण दिया कि इशरते कतरा है दरिया का फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद अर्पित करें। किस तरह से सर ने तमाम समाज के उन तमाम विरोधाभासों को, कि किस तरह से हमारे तमाम अवगुण हमारे गर्व की चीजें बनते जा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा समाज टूटता जा रहा है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन वक्तव्य के लिए। अब मैं विलंब न करते हुए आमंत्रित करूंगा कि हमारे अतिथियों का मोमेंटो देकर स्वागत किया जाए। सबसे पहले LLM के प्रेसिडेंट, जोरदार तालियों के साथ आप लोग सर का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। आकाशदीप जी हमेशा एक नए नए ऐसे व्याख्यान करवाते रहते हैं और बहुत ही सक्रिय, युवा प्रदीप जी से क्यों आए और मुरारी तिवारी जी का मोमेंटो देकर के स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ आप लोग जो है स्वागत करें। अब मैं पुनः निवेदन करूंगा सुरेंद्र जी से क्यों आए और सुनील मैं पुनः आकाशदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रोफेसर एस रैना जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहे। और अंततः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे आए, सबसे बड़े हमारे श्रोता होते हैं जो अंत तक बैठे रहते हैं। इसके अलावा विशेष धन्यवाद संभला सर का, जिनसे आज जुड़ने का मौका मिला, एक बेहतरीन वक्तव्य सुनने का मौका मिला, हम सब तमाम किताबों में उलझे रहते हैं, जीवन के व्यवहारिक अनुभव को सुनने का मौका मिला। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आकाशदीप जी को, पूर्वा जी को आमंत्रित करूंगा मंच में। उससे पहले मैं 2 पंक्तियां संभला सर के लिए, अतिथियों के लिए, आप सबके लिए, कि वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहां जाओगे बरसात बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर अश्विनी कुमार बंसल एंड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, I would like to convey my thanks to our Honorable Mr. Vijay Samplaji for sparing their precious time for us and enlightening us with his knowledge and experience in the field. I would like to thank Mr. Murari Tiwari ji for joining us in the session and also for his valuable time. This session would not have been possible without the guidance and cooperation from our Professor Dr. Ashwini Kumar Bansal, Adjunct Dean of the Department. And lastly, but not the least, I extend the gratitude to all the faculty members, my fellow students, for participating in the session and organizing committee. And I would also like to thank Mr. Pradeep Rana ji
दानिश जी, सुरेंद्र जी, अभिषेक रानू जी, अपूर्व सिंह, रुद्र प्रताप जी, उत्तम जैन, अनंत मान, भरत खटाना एंड मिशन स्वामी. थैंक यू. शुरू शुरुआत होने की थी बंद करनी, पर ऑर्डर फाइनली दसदा होया सी सरकार जनता पार्टी की क्रेडिट आ गया सी. मैं रिसर्च विसर्च की थी, जो स्टेटमेंट है वो ये देखो कोई चला गया ना बैन हो गया यार. किताब चली गई थी, मैंने वहाँ से सोखा, मैंने ये दो लाइनें काट दी, मैं कोई ना कोई डाल देगा केस उसको बोलते रहे तो आसानी से किसी को पता नहीं लगेगा. किसी को पता नहीं लगेगा आसानी से. किसी ने दसिया कि पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट के उत्ते अमेरिका च पढ़ाया जाता है. अमेरिका च पढ़ाया जाता रामायण का किस्सा पढ़ाया जाता. बड़े तो हमें संप्रदायिक बोला जाए, हम बड़े तो हमें संप्रदायिक बोला जाए, हमें संप्रदायिक बोला जाए. भगवाकरण हो गया, फला हो गया, अपने ही चीज़ अपने पढ़े हैं तो संप्रदायिक. जब हम हार्वर्ड में जाके इसका बाकी नहीं. हाँ, थैंक यू वेरी मच सर. हमने ऐसा भाषण यहाँ पे जी सर, इधर सर.